गणपति बाप्पा मोरया उड़चावर शीलव करया। गणपति बाप्पा। जबलपुर में गणेश उत्सव अपनी चरण पर और धूम पर श्री गणेश की प्रतिमाओं की स्थापना और आइए संस्कारदानी जबलपुर में भक्ति प्रवाह चैनल भाई अमृत पुंज के सुजानने से हम आपको दर्शन करवा रहे हैं। विगत 32 वर्षों से जहां पर भगवान गणपति की पूजा अर्चना और भगवान गणपति के प्रसिद्ध मूर्तिकार द्वारा यहां की मूर्ति की स्थापना मूर्ति का निर्माण भक्तों की पूजा अर्चना ये अंटिया कोटी सदर गली नंबर 23 श्री सरस्वती कला मंदिर और हमें बताते हुए अत्यंत हर्ष हो रहा है कि विगत 32 वर्षों से यहाँ भगवान गणेश की पूजा अर्चना बड़ी धूमधाम और हर्षोल्लास से की जाती है और आप इस समय लाइव दर्शन कर रहे हैं इच्छा पूर्ति भगवान श्री गणेश के। मुझे अभी याद आ रहा है मोहम्मद रफी फिल्म जगत के बहुत ही प्रसिद्ध गायक मोहम्मद रफी का वो प्रसिद्ध गीत देवा हो देवा गणपति देवा। जी हाँ, मैं भक्ति प्रवाह चैनल परिवार की ओर से मोहम्मद रफी की इस गीत की वो सराहना करता हूँ कि इतने वर्षों से इस गीत के बिना गणेश उत्सव का वो धूम फीकी है। मैं उनको उनकी स्मृति में श्रद्धांजलि भी अर्पित करता हूँ और संस्कारदानी जबलपुर में हम आपको आज निकले हैं अपनी यात्रा पे। संस्कारदानी जबलपुर के हम आपको गणेश उत्सव समिति पंडालों के दर्शन करवाएंगे। ऑनलाइन दर्शन कीजिए और अपने जीवन में पुण्य लाभ अर्जित करें। इस चैनल के माध्यम से मेरी आवाज़ जहाँ तक भी जा रही है मेरी सभी से विनम्र अपील है, सनातन धर्म में भगवान श्री गणेश का विसर्जन अनंत चतुर्दशी में सिंधु सभी पुराणों में लिखा गया है और हमें अपने धर्म को धर्म के प्रतीक को हमें उस मार्ग में चलते हुए सभी भक्तों से विनम्र निवेदन है भगवान का विसर्जन 10 दिवसीय पूजा अर्चना के पश्चात हम सभी मिलकर भगवान का विसर्जन अनंत चतुर्दशी पर करें, हमें इसका लाभ मिलेगा। जी हाँ, हम भगवान गणेश का विसर्जन 10 दिवसीय पूजा अर्चना के बाद हम संकल्प लें कि भगवान की विदाई बड़े शुभ से करें, हमें उसका लाभ मिलेगा। अनंत चतुर्दशी में पुण्य से लीला माँ नर्मदा में भगवान का विसर्जन करें और अनंत चतुर्दशी वाले दिन हम सब मिलकर भगवान की विदाई करें। आप सभी को गणेश उत्सव की बहुत बहुत शुभकामनाएं। भगवान बाल रूप में हम मूर्तिकार के इस कलाकार और प्रस्तुति की हमारा चैनल सराहनीय करता है और आइए हमारे भक्ति प्रवाह चैनल में इस समय संस्कारदानी जबलपुर के भक्त और इस संस्था के प्रधान आपका मैं हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। इस मूर्तिकार का नाम और किस तरह का कितने दिनों में इस बाल कला रूप भगवान का गणेश बाल रूप और बहुत ही प्रसिद्ध मूर्ति हमारे चैनल में अत्यंत हर्ष हो रहा है। हम इस मूर्ति को लाइव कवर दिखा रहे हैं और सभी भक्त इसका लाइव कवरेज देखें और अपने जीवन में पुण्य लाभ अर्जित करें। आपका भाई साहब हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं। बताइए किस तरह की मूर्ति और
पहले हम लोगों ने ऑर्डर किया था, जब जाके ये मतलब खूबसूरत बनी हुई है, ये बनाया गया है अच्छी पटेल में। वही जगह है, वही पंडाल है और वही समिति है जहाँ महाकाली की भी पूजा अर्चना बड़े धूमधाम से और बड़े हर्षोल्लास से भक्तों द्वारा की जाती है। 10 दिवस से भगवान गणपति की पूजा अर्चना और यहाँ पर संस्कारदानी जबलपुर से सभी भक्तों की भीड़ उमड़ी है, क्योंकि बाल रूप भगवान गणेश का कहा जाता है। बाल रूप के दर्शन कर सभी अपने जीवन में पुण्य लाभ अर्जित करते हैं। मैं भक्ति प्रवाह चैनल के सुजानने से सभी को गणेश उत्सव की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं और बधाई देता हूँ। आइए हम इस पंडाल में पहुंचे और सभी भक्त जन आए और इस पंडाल में भगवान के बाल रूप के दर्शन करके अपने जीवन में पुण्य लाभ अर्जित करें। देवा हो देवा गणपति देवा, तुमसे बढ़कर कौन स्वामी, तुमसे बढ़कर कौन। हमसे बढ़कर कौन, हमसे बढ़कर कौन। देवा हो देवा गणपति देवा, तुमसे बढ़कर कौन स्वामी, तुमसे बढ़कर कौन। बच्चा है लड्डू भले आंख खा लो, हम है प्रभु कंगाल। JDM.